नई कौमी तालीमी पॉलिसी में कोई जबान मुसल्लत नहीं, कस्तूरी रंगन का बयान। नई तालीमी पॉलिसी मुदव्विन करने वाले पैनल के सरबराह कस्तूरी रंगन ने कहा कि नई कौमी तालीमी पॉलिसी में किसी भी जबान को मुसल्लत नहीं किया गया है, बल्कि इसमें सह लिसानी फार्मूले को लचकदार तरीके से पेश किया गया है। इसरो के साबिक सरबराह कस्तूरी रंगन ने कहा कि इस नई कौमी तालीमी पॉलिसी के मुसवदे में पांचवीं जमात तक मुकामी जबानों को बतौर जरिए तालीम रखना तालीम के पहले मरहले में बहुत अहमियत का हामिल होता है, क्योंकि बच्चे अपनी मादरी जबान में सबसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इस नई कौमी पॉलिसी के तहत सिफर से पांचवी जमात तक के स्कूली तलबा की जरिए तालीम उनकी अपनी मादरी जबान में होगी, लेकिन वो चाहते हों तो जरिए तालीम को आठवीं तक या इससे आगे तक बरकरार रख सकते हैं। बच्चों में कई जबानें सीखने की सलाहियत होती है। उम्मीद है नई तालीमी पॉलिसी 2020 नए हिंदुस्तान की तामीर में एक संग मील साबित होगी। नई तालीमी पॉलिसी 2020 का मकसद पेशा वाराना तालीम समेत आला तालीम में तलबा के दाखिले के मजमूई तनासुब में इजाफा करना है। 2018 में यह तनासुब 26.3% था, जिसे 2035 तक 50% किया जाएगा। आला तालीमी इदारों में कम से कम 3.5 करोड़ नई नशिस्तों का इजाफा किया जाएगा। 15 वर्षों में कॉलेजों का इल्हाक मरहलेवार तरीके से खत्म कर दिया जाएगा और कॉलेजों को खुद इख्तियारी देने के लिए एक तरीके कार कायम किया जाएगा। कानून और मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर सभी आला तालीमी इदारों के लिए यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में दाखिले के लिए मुश्तरका दाखिला इम्तिहान होंगे, जिसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराएगी। स्कूली तालीम और कांदगी की सेक्रेटरी अनीता करवाल ने बताया कि पांचवी क्लास तक घर की जबान मादरी जबान या इलाकाई जबान तालीम का वसीला होगी। डॉक्टर कफील माह जनवरी से कैद रिहा करने की अपील। चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के नाम प्रियंका गांधी का मकतूब। कांग्रेस की सीनियर कैद मिस प्रियंका गांधी ने चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ को रवाना कर दिया। अपने मकतूब में डॉक्टर कफील खान की हिरासत का मसला जेर बहस लाया। BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में गैस की कमी से बच्चों की अमवात के मामले में सुर्खियों में आने वाले डॉक्टर कफील की रिहाई के लिए कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने चीफ योगी आदित्यनाथ को मकतूब लिखा। इस मकतूब में प्रियंका ने लिखा कि डॉक्टर खान माह जनवरी से जेल में कैद हैं और अब योगी आदित्यनाथ हुकूमत इस मामले में थोड़ी सी हसासियत का मुजाहरा करते हुए इंसाफ की फराहमी में उनकी मदद करनी चाहिए। उन्होंने अपने खत में गुरु गोरखनाथ की एक नज्म भी लिखी है, जिसके सिलसिले में उन्होंने लिखा है कि नज्म चीफ मिनिस्टर को तरगीब देगी। उन्हें NSA के इतलाक के बाद योगी हुकूमत ने कैद किया है। प्रियंका गांधी ने लिखा कि मैं इस मकतूब के जरिए डॉक्टर कफील के मामले को आपकी तवज्जो में लाना चाहती हूं। डॉक्टर कफील ने बुरे वक्त में भी अवामुन्नास की खिदमत की है। मुझे तवक्को है कि आप ऐसे इंसान की रिहाई के लिए अपनी सकत भर कोशिश जरूर करेंगे ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके। रायल सीमा प्रोजेक्ट के काम रोक दिए जाएं। आंध्र प्रदेश को कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड की हिदायत। कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड ने हुकूमत आंध्र प्रदेश को हिदायत दी के वो रायल सीमा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम को फौरी तौर पर तर्क कर दे। कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड ने दरियाए कृष्णा पर नए प्रोजेक्ट की तामीर के लिए आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से दी गई इंतजामी मंजूरी में नकायस की भी निशानदेही की है।
बोर्ड ने हुकूमत आंध्र प्रदेश को मुतनब्बे किया कि वो सेंट्रल वाटर कमीशन की इजाजत के बगैर नए प्रोजेक्ट्स की तामीर की मजाज नहीं है। हुकूमत तेलंगाना ने कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड के पास शिकायत दर्ज कराई थी कि दरियाए कृष्णा के पानी को श्री सैलम प्रोजेक्ट से मुंतकल करने के लिए मुतारुफ करदा मुजव्वजा रायलसीमा लिफ्ट इरीगेशन स्कीम आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद एक्ट की सरीहन खिलाफ वर्जी है। इस पस मंजर में कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड ने अपने जवाब में वाजे किया कि आंध्र प्रदेश हुकूमत गैर कानूनी तौर पर प्रोजेक्ट्स की तामीर अमल में नहीं ला सकती। मकतूब रियाज केन वासिफ सऊदी अरब। हिजरी तारीख में मुख्तलिफ ममालिक में फर्क का रहना एक आम बात है, क्योंकि हर शहर में मुसलमानों की एक रुयत हिलाल कमेटी होती है जो चांद देख कर ही माह जदीद के शुरू होने का ऐलान करती है। लिहाजा हिंदुस्तान समेत कई एशियाई ममालिक में ईद सऊदी अरब या खलीजी ममालिक के बाद दूसरे और कभी कभी तो तीसरे दिन ईद मनाई जाती है। हालांकि खलीजी ममालिक और जुनूबी मगरबी एशिया के ममालिक में वक्त के दरमियान 2 से 4 घंटे ही का फर्क है, मगर फिर भी हर मुल्क या इसके शहर में रुयत हिलाल कमेटी के ऐलान के बाद ही तारीखें मुतय्यन होती हैं और ईद मनाई जाती है। 9 ज़ुल्हिज्जा को हुज्जाज कराम हज का रुकन आजम वकूफ अरफा करते हैं, जिससे हज की तकमील होती है और इसके शुक्राने के तौर पर ईद उल अजहा मनाते हैं। हुज्जाज जिस दिन वकूफ अरफा करते हैं उस दिन को दीगर मुसलमान योम अरफा कहते हैं। योम अरफा सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक ही है और इसकी तारीख का ऐलान सऊदी अरब 10 दिन कबल यानी यकुम ज़ुल्हिज्जा को कर देता है। लिहाजा हम दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते हों, हमारे लिए योम अरफा उसी दिन होना चाहिए जिस दिन हुज्जाज ने मैदान अरफात में वकूफ या क्याम किया। लेकिन ये अजीब बात है कि हिंदुस्तान समेत कई ममालिक में मुसलमान योम अरफा का अहतमाम उसी दिन करते हैं जिस दिन उनके शहर या मुल्क में 9 ज़ुल्हिज्जा हो। इस सिलसिले में हमारे उलमा को मशावरत करते हुए मुसलमानों को यह हिदायत जारी करनी चाहिए कि किसी भी मुल्क या उनके शहर में ज़ुल्हिज्जा की तारीख जो भी हो, मगर वो योम अरफा उसी दिन को माने जिस दिन मैदान अरफात में हुज्जाज वकूफ अरफा करते हैं और तमाम मुसलमान योम अरफा की मसनून इबादतें नवाफिल असकार दुआएं और रोजा रहने का अहतमाम करें और फिर अपने शहर में रुयत हिलाल कमेटी के ऐलान करदा तारीख के लिहाज से ही सही 10 ज़ुल्हिज्जा को ईद उल अजहा मनाएं। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी मुसलमान ईदें अलग अलग तवारीख में मनाते हैं, जबकि हिंदुस्तान रकबे के एतबार से काफी बड़ा मुल्क है, लेकिन मगरिब से मशरिक और शुमाल से जुनूब तक सारे मुल्क में वक्त एक ही रहता है, तो फिर क्यों ना सारे मुल्क के लिए एक मरकजी रुयत हिलाल कमेटी बनाई जाए और हिंदुस्तान के सारे मुसलमान एक ही हिजरी कैलेंडर अपनाते हुए ईदें और दीगर मजहबी तकारीब एक ही दिन मनाएं। इसके लिए भी सारे उलमा मुशावरत करें तो हमारा हिजरी कैलेंडर एक हो सकता है। बहरहाल आज यानी योम जुमा को सऊदी अरब समेत सारे खलीजी और अरब ममालिक में ईद उल अजहा मनाई गई, जबकि हिंदुस्तान और इसके अतराफ के सारे ममालिक के मुसलमान कल यानि बरोज हफ्ता ईद उल अजहा मनाएंगे। लेकिन सारी दुनिया में ईद उल फित्र की तरह ही ईद उल अजहा भी तमाम एहतियाती तदाबीर को मलहूज रखते हुए मनाई जाए। ईद की नमाज के बाद लोगों ने मुसाफह तक के बगैर एक दूसरे को फासले से ईद की मुबारकबाद दी। बड़े इज्तिमात की बजाय हर छोटी बड़ी मस्जिद में ईद की नमाज का अहतमाम किया गया। लीजिए अब पेश है हमारा प्रोग्राम वक्फे अदब। वक्फे अदब में मोहतरमा शाइस्ता मुफ्ती को समाअत फरमाएं। शाइस्ता मुफ्ती आपको अपना सलाम पेश करती है और एक और गज़ल आप लोगों की समातों और बसारतों के लिए पेश खिदमत है कि दिल को एक सानहा सा लगता है, दिल को एक सानहा सा लगता है, कूच ए यार से गुजरना भी, पांव रखना पुरानी मिट्टी पर, सूखे पत्तों का शोर सुनना भी, जिस पे झूला था अपने बचपन का, जिस पे झूला था अपने बचपन का, उस घने पेड़ से गुजरना भी,
वक्त धुंधला सका न आँखों को, ख्वाब सीढ़ी पे पाँव धरना भी। शहर वो अब नहीं जो पहले था, शहर वो अब नहीं जो पहले था, गिर पड़ोगे तो खुद संभलना भी। और है घर है मिसमार शब कहाँ गुजरे, घर है मिसमार शब कहाँ गुजरे, सूनी राहों में अब भटकना भी। गूंज बाकी है अपने नगमों की, गूंज बाकी है अपने नगमों की, सरसराती हवा को सुनना भी। और दिल को एक सानहा सा लगता है, कूचे यार से गुजरना भी, पांव रखना पुरानी मिट्टी पर, सूखे पत्तों का शोर सुनना भी। बहुत शुक्रिया।